मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं आपकी इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप देखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल की वीडियोस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सवाल के ऊपर। किसी ने सवाल पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि सर्कुलर रेफरेंस होता क्या है। तो बेसिकली अगर बात करूं कि हम जो नंबर ऐड करते हैं, तो 20 और हमने इसमें कल प्लस कर दिया 20, तो इससे रेफरेंस इसने इससे लिया हुआ। अब सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है कि मैं इसके फॉर्मूला लगा दूं कि वाई 40 प्लस। अब यहां क्या है, देखिए सी जो है वो डिपेंड करती है बी के ऊपर। अब बी का अपना डिपेंड, तो बी अगर ए के ऊपर डिपेंड करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बी में अगर फॉर्मूला लगा दूं कि बी अगर डिपेंड करती है सी के ऊपर, सर्कुलर रेफरेंस कहा जाता है। देखिए यहां आ गया सर्कुलर रेफरेंस, मतलब कि रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हो रही है, क्योंकि ए आपका बी थ्री ऑलरेडी डिपेंड सी के ऊपर है, और सी डिपेंड कर सी डिपेंड है बी के ऊपर, तो बी को सी के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। ये इस सर्कुलर रेफरेंस कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला अगर दूसरे से लिंक है, तो दूसरा फॉर्मूला पहले से लिंक नहीं होगा। तो अगर कॉलम ए के डेटा कॉलम बी के डेटा से इफेक्ट करता है, तो कॉलम बी का डेटा कॉलम ए के डेटा से इफेक्ट नहीं करना चाहिए। कॉलम ए में ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं लिखनी होगी जो कॉलम बी को कॉलम बी से रिलेटेड है, क्योंकि कॉलम बी ऑलरेडी ए से रिलेटेड है। जाहिर सी बात है कि आप पेड़ के जिस डाली पे बैठे हो उस डाली को नहीं काटोगे, काटोगे तो गिर जाओगे, गिरना सर्कुलर रेफरेंस कहलाएगा। तो ए आपका बी जो सी जो है कॉलम बी पेड़ की डाली है, तो हमें बी से रेफरेंस नहीं लेना है, किसी और डाली से लेना है, किसी और कॉलम से लेना है, दैट इज सर्कुलर रेफरेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पे भी यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की ट्रिकी क्वेश्चंस एंड बाकी चीजें अपलोड करते हैं। साथ में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन। इसके लिए आप वेबसाइट iptindia.com को विजिट कर सकते हैं, या भी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो फील फ्री होकर मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्काइप कीजिए, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे।